आज हम टाइप 1 डायबिटीज के बारे में कुछ बात करेंगे आपसे। पहले तो ये है कि टाइप 1 डायबिटीज होती क्या है। तो डायबिटीज जो कि आप लोगों को पता होगा, दो तरह की मेन होती है। एक होती है टाइप 2 डायबिटीज जो ज्यादातर लोगों को होती है, दूसरी होती है टाइप 1 डायबिटीज। जब बॉडी में, हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज होती है, जहाँ से इंसुलिन उत्पन्न होता है, वो पैनक्रियाज किसी कारणवश इंसुलिन बनाना बंद कर दे, तब बॉडी में इंसुलिन का अभाव हो जाता है और इसी अभाव के कारण जो पर्सन है, जो आदमी है जिनको डायबिटीज हो जाती है, इसके वजह से ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके वजह से डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें खून में ज़्यादा, इतनी ज़्यादा शुगर हो जाती है कि ब्लड में एक एसिड बनना शुरू हो जाता है जिसको कीटोन्स कहते हैं, और इस कंडीशन में आईसीयू की ज़रूरत होती है पेशेंट को। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में एक ही इलाज है, इंसुलिन। इंसुलिन के बिना टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है। तो कभी भी किसी को भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो, उसको इंसुलिन लेना ज़रूरी होता है।